कोविड नामक एक विश्व महामारी रोग आया जिनमें लाखों लोगों की इस वायरस के चपेट में जान गई। कौन सा बीमारी आया? कोविड-19, कोरोना वायरस। चाइना से फैलने वाला ये वायरस का जड़ चमगादड़ पर लगा। कहा जाता है कि भयंकर कोविड का वायरस बैट यानी चमगादड़ के संक्रमण होने से और इसका बने सूप का इस्तेमाल इंसानों के जरिए फैला। तो क्या चमगादड़ यानी बैट्स इतना ही खतरनाक होते हैं या इसका कोई नेचर संतुलन भी है? तो आइए जानते हैं इन्हीं बैट्स यानी चमगादड़ के बारे में रोचक तथ्य। आज का हमारा टॉपिक इसी गजब जीव चमगादड़ से जुड़ा है जिसे अंग्रेजी भाषा में बैट्स के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको चमगादड़ से जुड़े सभी रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जो अपने आज से पहले शायद ही कहीं पढ़े जाने होंगे, तो देर न करें, चलिए शुरू करते हैं। ये आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ कितना दिन से इतना चमगादड़ रहता है यहाँ पे? यहाँ पर 20-25 साल से ऊपर। अच्छा, हाल फिलहाल में हम लोग देखे थे कि इसमें एक भी चमगादड़ नहीं है, यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्या रीजन था यहाँ? अब फिर अभी देख रहे हैं करीब 4 महीना के बाद यहाँ पे चमगादड़ है। कुवार जहाँ हुआ, अच्छा, पूजा बीत गया, अच्छा अच्छा, निकल जाएगा, अच्छा चल जाएगा, अच्छा। और जब ठंडा खत्म हो जाएगा धूप आने लगेगा। हाँ, ये ठिकाहिन क्या होता है? ठिकाही का मतलब अच्छा छाया में चला जाता है। छाया में नहीं, धूप में जाता है। अच्छा, धूप में जाता है, इसको ठंडा पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब अभी रहेगा कुमार तक आदमी जहाँ ठंडा स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो ठंडा में चले जाएंगे वो उन लोग हवा में। चमगादड़ प्रकृति के बेहद हितकारी होते हैं। उदाहरण के तौर पर चमगादड़ पेड़ पौधों को, बीज को व फलों को खाकर उनके बीज जंगल में फैलाते चलते हैं जिनके कारण जंगल घने हो जाते हैं और ऑक्सीजन का स्तर अनुकूल रहता है। चमगादड़ के मल का उपयोग गन पाउडर बनाने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिकी गृह युद्ध में एक बार ऐसा किया जा चुका है। चमगादड़ स्तनधारी जीव में पाए जाने वाले मात्र एक ऐसा जीव है जो उड़ सकता है। दूसरी, चमगादड़ 1 घंटे में 600 खटमल का शिकार कर सकता है। और यही नहीं, यह जीव 1 घंटे में 1500 छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी खा सकती है। चमगादड़ में कुछ प्रजातियां ऐसे होते हैं जो केवल खून पीते हैं और इन्हें पिशाच चमगादड़ कहा जाता है। एक पिशाच चमगादड़ 1 दिन में अपने वजन के बराबर खून पी सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चमगादड़ हमेशा उल्टा लटक कर सोते हैं। इस समय अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सर्वाधिक मात्रा में चमगादड़ पाए जाते हैं। बड़े चमगादड़ों के पंखों की लंबाई लगभग 5 से 6 फीट तक होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार विश्व में अब तक चमगादड़ों के कुल 1100 प्रजातियों को खोजा जा चुका है जिनमें अधिकांश प्रजातियां अमेरिका में पाई जाती हैं। चमगादड़ अपने बिलों से निकलने समय हमेशा बाएं की तरफ मुड़ते हैं। चमगादड़ की कुछ प्रजातियां लंबे समय तक जीवित रह सकती है। उदाहरण के तौर पर भूरा चमगादड़ लगभग 40 वर्षों तक जीवित रह सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व में पाई जाने वाली कुल स्तनधारी प्रजातियों में लगभग 20% चमगादड़ों की आबादी है। दुनिया में पाए जाने वाले सबसे छोटे चमगादड़ की प्रजाति का नाम बम बिली है और इसका वजन मात्र 215 ग्राम होता है। चमगादड़ अंडे न देकर सीधे बच्चों को जन्म देती है क्योंकि यह मनुष्य की तरह स्तनधारी जीव है। विश्व में पाए जाने वाली चमगादड़ की प्रजाति का अधिकांश चमगादड़ भूरे या काले रंग के होते हैं। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार पाया गया है कि चमगादड़ की उत्पत्ति डायनासोर के समय से ही रही है, अर्थात यह जीव लगभग 6 से 10 करोड़ साल पहले भी रहा होगा, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का मानना है।